इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे ई निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है थिन शीट, ये मोटी शीट नहीं है, ये बहुत ही पतली शीट है। तो क्वेश्चन ये है कि एक थिन शीट है, सपोज एक इनफाइनाइट बहुत बड़ा साइज है, एक थिन शीट है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया वाइज। एरिया वाइज का मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा इसका, सिग्मा। सिग्मा डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। पहला पॉइंट क्लियर है। इमेजिन करो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस शीट के आर डिस्टेंस दूर, इस शीट से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर, चाहे इधर जहां मर्जी, आपको क्या करना है, आपको ई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इस शीट के आर डिस्टेंस दूर इधर जाएं या इधर जाएं, टेक अ गॉशियन सरफेस, ठीक है, आप एक क्या लेंगे, गॉशियन सरफेस लेंगे। ले ली गॉशियन सरफेस, बस मेरा आंसर दें। अगर ये मेरा हाथ एक शीट है और मैं आर डिस्टेंस दूर यहां पे गॉशियन सरफेस लेता हूं डीएस, और सभी डीएस 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 को मिलाता हूं, तो यहां गॉशियन सरफेस की शेप क्या बनेगी, सेम यही बनेगी। देखो मेरा दूसरा हाथ, क्यों, क्योंकि सर्कल तो पेपर में बनी हुई है ना, क्वेश्चन तो चेंज किया है मैंने भाई, बुकलेट देके आंसर नहीं देना। तो ये देखो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये क्वेश्चन है, स्मॉल आर डिस्टेंस ये क्वेश्चन है, स्मॉल आर ये क्वेश्चन है, जो इसकी एक्चुअल शेप है उसी का हिस्सा यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ जाएगी, सही है। ऐसे अगर यहाँ पे लें स्मॉल आर तो सेम शेप यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ऐसे ही होगा। तो अगर ये इनफाइनाइट शीट है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर इसके बदले में गॉशियन लेते जाएं और मिला दें, तो सेम शेप की शीट यहाँ पे तैयार हो जाएगी और सेम यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ऐसे ही होगा। पर इमेजिन करें कि अगर मैं ऐसे, चलो नहीं कंसिडर करता वो पूरी शीट, क्योंकि पूरी शीट का साइज़ तो मुझे पता ही नहीं, बहुत ही बड़ा साइज़ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका एक पोर्शन कंसिडर करता हूँ बस इतना सा, जिसका एरिया क्या है, ए, क्योंकि इनफाइनाइट को तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, तो कुछ फाइनाइट पोर्शन लेना पड़ेगा, इस शीट का कुछ पोर्शन कंसिडर कर लिया ऑफ एरिया ए। और अब अगर मैं कहूँ कि इसके आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या कंसिडर करना है, ई की वैल्यू निकालनी है, आर डिस्टेंस दूर लेफ्ट, आर डिस्टेंस दूर राइट, ये लो ऐसे, तो लेफ्ट और राइट। तो अगर मैं यहाँ पे गॉशियन सरफेस कंसिडर करूँ और सभी को मिलाऊँ तो शेप क्या बनेगी, सर्कल। ऐसे यहां पे मिलाएंगे डीएस डीएस डीएस, तो ये सारे डीएस शेप क्या देंगे, सर्कल। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इस सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंगली गॉशियन सरफेस यहां सर्कल, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक गॉशियन सरफेस यहां सर्कल। तो इमेजिन करें दो सर्कल तैयार हो गए यहां पे, इमेजिन कर दो सर्कल्स हैं, आप इमेजिन करें इनको आप किसी सरफेस से ज्वाइन कर दें, इमेजिनरी हवा में बातें हो रही हैं ना, तो आपको हवा में यहाँ कुछ दिखना है ना, यहाँ दिखना है ना, ये दिखना है, कुछ ना दिखना, आपको तो शीट दिखनी है, पर आप इमेजिनेशन में काम कर रहे हैं कि आपने एक पोर्शन लिया, यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग गॉशियन सरफेस ली, इसकी गॉशियन सरफेस यहाँ ली, और इनको ज्वाइन कर दिया इमेजिनरी लाइन्स के साथ, ताकि एक बंद सरफेस बन जाए सिलेंडर, क्योंकि मैं क्या लगाना चाहता हूँ, गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम ओपन सरफेस पे लगती नहीं है, शीट पे तो बिल्कुल भी नहीं लगती, तो मेरे को उसको क्या बनानी पड़ेगी, क्लोज सरफेस। तो मैंने सिलेंडर बना के क्लोज सरफेस को बना दिया, कोई डाउट इसमें? अब इमेजिन करें एक मिनट इसमें, अब ये इमेजिन करें कि अगर आपके पास ये एक गॉशियन सरफेस है, ठीक, ये एक गॉशियन सरफेस है जिसका एरिया क्या है, डीएस वेक्टर, ठीक है, डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर, और मैं कहूं कि यहां पे ई की डायरेक्शन कहां है, ये प्लस शीट है, यहां प्लस वन रख के देखें, ई प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ई वेक्टर कहां आएगा, राइट। कभी कभी कई बुक्स एरिया वेक्टर को एन कैप भी लिखती हैं, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर को शो करता है, एक ही बात है, डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर एक ही बात है, एन कैप एक ही बात है। अगर मैं यहां पर ई की डायरेक्शन पूछूं तो प्लस वन रखो, ये प्लस वन को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां आएगा, लेफ्ट। ऐसे यहां पे देखो ई वेक्टर कहां आएगा, लेफ्ट, और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है ही है, वो तो ऑलरेडी लेफ्ट है। अगर मैं कोई सरफेस इसकी सरफेस पे लूं तो एरिया वेक्टर कहां आएगा, ऊपर, परपेंडिकुलर टू दी एरिया, लेकिन ई वेक्टर कहां आएगा, ये प्लस वन रख के देखो, प्लस प्लस वन को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर यहां आएगा,
ऐसी अगर कोई सरफेस एरिया यहाँ लूँ तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, तो ये प्लस वन है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है डायग्राम कैसे बन रहा है? तो इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो ये आपके सामने इनफाइनाइट शीट है, ये आपने इसका क्या लिया, छोटा सा एरिया लिया, इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग आपने स्मॉल गॉशियन सरफेस ली, इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी गॉशियन सरफेस ली, यहाँ पे आपने ई वेक्टर राइट ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर तो है ही राइट, यहाँ पे ई लेफ्ट ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर है लेफ्ट, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ऊपर, ई वेक्टर लेफ्ट, एरिया वेक्टर नीचे, ई वेक्टर लेफ्ट, एरिया वेक्टर ऊपर, ई वेक्टर राइट। तो डायग्राम क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मेरे को क्या करना है, इस पूरे सिलेंडर जो कि क्लोज बॉडी है इसका टोटल फ्लक्स निकालना है। ध्यान से देखना टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा। ठीक, आगे निकलेगा पूरे सरफेस का फ्लक्स निकले तो वो कैसे निकलेगा? मैं इस पूरे सिलेंडर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहला ये हिस्सा एक, दूसरा ये हिस्सा दो कर्व्ड, तीसरा ये हिस्सा। तो दो सर्कल हो गए, एक कर्व हो गया। बोलो फ्लक्स की वैल्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 0, क्योंकि ई और डी एस में एंगल क्या है? 0। ई डी एस कॉस 0। सरफेस नंबर टू के लिए ई डी एस कॉस 90, तो इसका फ्लक्स तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, ई डी एस कॉस 90 में कॉस 90 0, कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स 0। नेक्स्ट है ये सरफेस है ई डी एस कॉस 0, क्योंकि ई और डी एस में फिर से एक बार एंगल क्या है? 0। तो चेक करो ये स्टेप क्लियर है। स्मॉल फ्लक्स क्या आएगा पहली सरफेस का? ई डी एस कॉस 0, कर्व सरफेस एरिया का कॉस 90 उड़ जाएगा ये, और राइट वाले सर्कल का ई डी एस कॉस 0। तो यहां से E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो पहली सरफेस में E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसका तो 0 आएगा, और सेकेंड सरफेस में E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब मैंने ये एज्यूम किया कि इसका एरिया ए है, एरिया ए है, तो इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आपको एरिया ए दे रही है, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आपको एरिया ए दे रही है, तो ऐड करके टोटल आंसर ये आ गया। पूरे सिलेंडर का ई डॉट डी एस से मैंने फ्लक्स निकाल लिया। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है कि क्योंकि सिलेंडर इज अ क्लोज बॉडी, तो आप ऐसा मत करें, इस पूरी क्लोज बॉडी के अंदर बोलो कितना चार्ज है। तो मैंने कहा हवा में तो चार्ज है नहीं, बस चार्ज तो शीट के ऊपर इतना ही चार्ज है, तो चार्ज होगा क्या? सिग्मा इंटू कितना? एरिया, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, और एरिया कितना है जिसके ऊपर चार्ज है? ए। तो चार्ज क्या बनेगा? सिर्फ सिग्मा इंटू एरिया। तो चेक करो यहां पुट किया सिग्मा इनटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट, एक लाइन में आ गया। तो ई डॉट डी एस से ये फ्लक्स आया, गॉस थ्योरम से ये आया, दोनों को इक्वेट किया, एरिया एरिया कैंसल, और ये आंसर आ गया। ये प्रूफ आएगा, इसमें लिखे हैं अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। फॉर्मूला लिखने ब्रैकेट में थिन जरूर लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नहीं करता डिस्टेंस पर डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इनफाइनाइट है ना, साइज तो डिफाइंड ही नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी लेते रहो, इसलिए कॉन्स्टेंट, जहां तक है बराबर है, नहीं है तो फिर खत्म है। अगर मैं शीट लेके यहाँ बैठ जाऊँ तो हमने घर देखो ई आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन जहां जहां रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट का स्मॉल एरिया ले लिया ए, इसके राइट डिस्टेंस आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, टेक अ गॉशियन सरफेस, तो इमेजिनरी गॉशियन सरफेस से सर्कल, लेफ्ट पे भी सर्कल, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्लोज बॉडी बनानी थी तो इनको ज्वाइन कर दिया, तो फिगर क्या बनी? सिलेंडर।
तीन हिस्सों में बांट लिया, रीजन नंबर 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर प्लस वन को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर राइट, और यहाँ पर ये प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस वन को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर लेफ्ट। एरिया वेक्टर लेफ्ट है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, एरिया वेक्टर राइट है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इसकी सरफेस पे ई वेक्टर राइट है पर डी एस वेक्टर ऊपर है। रीजन नंबर वन में टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो, इसमें भी ई डी एस कॉस जीरो, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में ई डी एस कॉस 90। तो मेरे ख्याल से पहला स्टेप क्लियर है, ये स्टेप जीरो आ जाएगा कॉस 90 की वजह से। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल का एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ राइट सर्कल का एरिया, पर दोनों सर्कल के एरिया ए एंड ए हैं, टोटल फ्लक्स आ गया। गॉस थ्योरम कहती है क्लोज बॉडी पे टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि हमने इतने पोर्शन का चार्ज निकालना है ए एरिया का, सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वेट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?